the biggest dream of the Indian bride is to get married like a queen. Indian queen. Rajputana queen. So hum ab baat karenge dusre destination wedding ki. Bade bade mahal, fort, kile, bade bade chandeliers, artifacts, khub lambi chaudi barat, elephants, horses, nagade. That sounds very beautiful, very, very grand, very, very out of the world. Aisi hi hoti thi rajaon maharajaon ki barat jisme एक अलग सा नजारा होता था. पूरा प्रोसेशन एक झांकी की तरह नजर. पूरा प्रोसेशन उसी तरह की वेडिंग की बात कर रहे हैं हम लोग. दैट इज कॉल्ड राजवाड वेडिंग, द इंडियन रॉयल राजवाड वेडिंग, जो कि हर एक लड़की का, हर एक लड़के का सपना है. और मेरा भी कुछ टेस्ट उसी तरह है. हाँ, मेरी शादी राजवाड तरीके से नहीं हुई है, बट मैं अपने सपनों में या कहीं ना कहीं उन्हीं पलों में खोया रहता हूँ. इंडियन एम्ब्रॉयडरीज, हर चीज इंडियनाइज, वो विंटेज, वो वाला युग ना बहुत खूबसूरत और एक बहुत एक्सपीरियंशियल युग था. और बहुत सारी चीजें सीखने को है उसमें, यू नो, जस्ट आई कीप रिमेम्बरिंग एंड गेटिंग इनटू दैट एंड क्रिएटिंग लॉट ऑफ माइंड ब्लोइंग things and taking inspiration. I love coming back again. Destination wedding. So agar hum shaadi kar rahe hain mahalon mein, fort mein, kilon mein, Rajasthan ki ret mein, to hame kis tarah ka lehenga pehenna chahiye? Confusion hai. Every bride thinks ki main kaisa pehnu, ye pehnu, wo pehnu. Lot of bahut sare sawal hai, bahut sari jaddojahd hai. Uske liye mere paas ek chhota sa और कंक्रीट आंसर है कि आप पहनेंगी राजवाड लहंगा. आप पहनेंगी सुर्ख ब्राइट कलर का लहंगा, सनासन गोल्डन एम्ब्रॉयडरी से भरा हुआ. अब मैं यहां गोल्डन की बात कर रहा हूं, एंटीक की बात कर रहा हूं, रस्टिक की बात कर रहा हूं. कलर्स हम यहां पे रेड्स, मरून्स, वाइन, फूशिया, बगंडी, सारे ब्राइट कलर्स जिसके अंदर गोल्डन, एंटीक्स, तपका, नक्शी, रेशम, जरदोजी, बहुत ही महीन हल्के हल्के येलो कलर के सितारे, एंटीक 100% हैंडक्राफ्ट से बना हुआ सुंदर लहंगा आप पहनेंगे, गोल्डन काम से जड़ा हुआ, एकदम एंटीक, जैसे कि वो एकदम परछाई होगी एकदम राजपूताना क्वीन की, एकदम परछाई. बहुत ही अलग इमेजिन कर लो. डायमंड पॉलकी, पॉलकी कुंदन जड़ाऊ ज्वेलरी रहेगी, दैट इज पूरा इमेजिन. बंधे हुए बाल रहेंगे, माथा पट्टी रहेगी, नथ रहेगी, बहुत एकदम जस्ट वेरी रॉयल, वेरी डिफरेंट. एक एक कदम जब आप रखेंगे एक अलग नजारा रहेगा, बात ही कुछ और है. फोर्ट में शादी हो और इस तरह की साज सज्जा ना हो, बड़े बड़े गलीचे, शामियाने, आलीशान, खूब सारे फूलों से सजा हुआ पूरा आपका मंडप, और आपने राजवाड़ लहंगा पहना हुआ है, लाल रंग का या मरून रंग का, एकदम गोल्डन काम से सना हुआ, बहुत ही खूबसूरत. रेड कलर के लिपस्टिक भी लगा सकती हैं आप, थोड़ा 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 थोड़ा, बहुत ही सटल मेकअप, बिंदी भी मैं सजेस्ट करता हूँ इसे. यू कैन ऐड ऑन बिंदी, रेड कलर की बिंदी भी बड़ी अच्छी लगेगी. आप इमेजिन कर पा रही हैं अपने आप को कि मेरी कल्पना है जैसी मैं ब्राइड बनाता हूँ या जैसी ब्राइड को मैं सजेशन देता हूँ. तो आपको कोई राइट नहीं, कोई लेफ्ट नहीं, आपको रजवाड़ लहंगा ही पहनना है अगर आप वेडिंग
राजस्थान में या किसी किले में या तो फोर्ट में कर रहे हैं और कलर्स भी आपको ब्राइट पहनने हैं। एक चीज, घेरा बहुत बड़ा चाहिए मुझे। रानी महारानियों बहुत 8-10 meters का घेरा की जब आप घूमें घूमर करें तो एक अलग ही रुआब आना चाहिए। सो ये मेरी कल्पना की रानी है और ये जैसे आप देख रहे हैं मेरे साथ में और जो मैं हूं, मेरे अंदर एक आर्टिस्ट उस तरह का है कि जो चीजों को बहुत गहराई से समझता है, सोचता है, कागज पे ड्रॉ करता है और फिर उस ड्रॉइंग को एक मास्टरपीस की तरह हकीकत में उतारता है। तो आपके लिए राजवाड़, जस्ट वन एंड ओनली चॉइस राजवाड़। आप डेस्टिनेशन पे सिर्फ राजवाड़ लेगा ही पहले। Thank you.